तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, आज का ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है जो हुआ है, सब ऑपरेटर आपका पढ़ा हुआ है, सी में पढ़े हो, जावा में पढ़े हो, पाइथन में भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ तो हम बता दिए थे उस दिन, कल सिर्फ बताया है बिट वाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है, आज आपको मेन समझ में आएगा। तो दे दिए, आज का क्लास तो थोड़ा ध्यान से, आज है कंडीशनल स्टेटमेंट, ध्यान से, लास्ट क्लास में कंडीशनल ऑपरेटर बताए थे, ठीक है, तो आज का हम लोगों का है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर में क्या क्या था, वो था कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर इसमें था लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल्स टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन और नॉट इक्वल्स टू का साइन। लेकिन आज हम लोगों का है कंडीशनल स्टेटमेंट, कि नहीं क्वेश्चन कैसे पूछता है, पढ़ तो लिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, मतलब इसमें पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो एक है हम लोगों का इफ एल्स, ठीक है, एक है इफ एल्स और एक है और स्विच केस, दो चीज़ हैं स्विच केस, ठीक है, लूप भी इसी में आता है क्योंकि कंडीशन में ही आता है, ठीक है, तो इतना दूर तक आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में पड़ेगा, ठीक है, ओके। लूप तो किसी का भी हो सकता है, लूप लेकिन वही है, 5 तक लूप घुमाओ तो मैंने कंडीशन ही है ना, हाँ, कंडीशन। तो इसे हाँ, जब तक कंडीशन मीट ना करे तब तक वो लूप घूमते रहेगा, हाँ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में ये तीन चीज़ें आती हैं, इफ एल्स, स्विच केस और लूप, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको कहाँ से शुरुआत करना है, हम लोग को शुरुआत करना है इफ एल्स से, ठीक है। तो इफ एल्स में पहले समझना है कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो बोला है कि एक आता है, आपको पहले समझाते जा रहे हैं, एक आता है सिर्फ इफ के अंदर एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, एक इफ के अंदर कंडीशन दिया हुआ रहेगा कोलन, ठीक है, जो भी कंडीशन में लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, एल्स, हाँ कर्ली ब्रेसेस से जाएगा। तो ये है मेरा सिंटेक्स, ठीक है, तो सिंटेक्स को ध्यान रखना है क्योंकि उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपको इफ एल्स का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आप पहले इंग्लिश का मतलब समझ लीजिए, अगर मगर हिसाब से, कि अगर ये कंडीशन सही है तो, नहीं हुआ तो। तो हम समझाएं कंडीशनल स्टेटमेंट में क्वेश्चन कैसे पूछता है, कंपनीज में क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्योंकि आज से कोडिंग स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला चीज़ है वो है कि इफ के अंदर एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, पहले समझ लिखना, लिखने का तरीका देख लीजिए, कोलोन, जो भी कंडीशन देना है दे दीजिए, एल्स के अंदर भी कोलोन देके फिर से कंडीशन लिखिए। और क्वेश्चन कैसे काम करेगा, अगर मेरा ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, अगर मेरा इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो एल्स नहीं होगा, अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो एल्स नहीं होगा, और अगर मेरा इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। मतलब को कहना क्या चाह रहे हैं, दोनों आके मिलेगा एक ही जगह पे, ठीक है, अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये पक्का होगा, लेकिन घूम घाम के कोड एक ही जगह पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमको इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो, कैसे फ्लो होता है, ठीक है, या फिर हम सिंटेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्लस ध्यान रहे, यहाँ पे गलती कहाँ पे होता है, एक बच्चे से एक होता है कि इफ के बाद कंडीशन लिख के कोलन तो देता है लेकिन कोड यहाँ से शुरू कर देता है, तो ये गलत है। मतलब ये क्या चीज़, क्या गलती है, कि वो इसको सही समझेगा, थोड़ा अंदर में लिखिएगा तो वो सही समझेगा, लेकिन आप सीधा लिख दीजिएगा इफ के सीधा सीधी तो इसको गलत समझेगा। बोला क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं 4 को स्पेस, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर 4 को स्पेस मार लेता है, या फिर आप मारिए या फिर कंप्यूटर मारेगा,
ठीक है, तो अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते हो तो उसका मतलब वो समझता है कि वो इफ के बाहर है। अगर गलती से कोड यहां से स्टार्ट कर दिए तो इसका मतलब वो समझेगा इफ में कुछ है ही नहीं, दोनों इफ के बाहर है। ठीक है, सी में ये वाला चीज नहीं था, सी में था कर्ली ब्रेसेस का, कोलोन नहीं था। सी में कर्ली ब्रेसेस चलता था जिसके कारण इसको हम लोग बोलते थे स्कोप, मतलब यहां से यहां तक सब कुछ तुम्हारा है। कर्ली ब्रेसेस का जमाना चलता था पहले, अभी ये कर्ली ब्रेसेस को हटा के इसको बोल दिया है इंडेंटेशन। बोला इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है रीडेबिलिटी, मतलब कोड को रीड करने का रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा। ऐसे भी आपको देखो, अगर मैं बात करूं ये रीडेबिलिटी है या नहीं देखिएगा तो ये समझ में आ रहा ना, ये तीनों इफ के अंदर है, ये इफ के बाहर है, ठीक तो रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नहीं तो बच्चे लोग क्या होता है नोटपैड वोटपैड में कोडिंग जब करते हैं तो वो लोग कैसे लिखते हैं कोड, ऐसे सी में इफ कर्ली ब्रेसेस ऑन कर्ली ब्रेसेस ऑफ प्रिंट एफ, कुछ भी हम एग्जांपल बता रहे हैं, कुछ और स्कैन एफ, तो आपको लास्ट में पता ही नहीं चलेगा कब कर्ली ब्रेसेस बंद करना था, कभी वो छूट जाता है। ठीक है, लेकिन यही चीज ऐसे करके 1 2 3 4 अच्छा इफ के अंदर इतना लाइन है, समझ में आया ना। अब कर्ली ब्रेसेस आपका गलती होगा भी नहीं, ये सी में कर्ली ब्रेसेस का था, इस कर्ली ब्रेसेस को बोलते थे स्कोप, मतलब यहां से लेके यहां तक इफ का पार्ट है। मतलब फिर से आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, मम्मी या पापा, ठीक है, मम्मी या पापा जब एक दो काम देते हैं आपको तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद रखना जरूरत उतना दिक्कत होता है। बोले कि एक काम करो बाजार से ये सामान लेके आना, लेकिन मम्मी और पापा जब बहुत सारे काम दे देते हैं तो आप लोग क्या करते हो, एक लेटर चिट्ठी जैसा लिख लेते हो, आजकल फोन में लिखता है आदमी लोग, ठीक है, लेकिन पहले कागज में लिखता था कि भैया ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। लास्ट में एक वो पेन भी रहता था, भैया कौन कौन सा हो चुका है, कौन कौन सा सामान ले लिए, तो जब बहुत बड़ा बिल होता है तब, तो ये होता है स्कोप, मतलब यहाँ से यहाँ तक काम सबको करना है हमको, तो क्लियर। अभी वो जमाना नहीं है, अभी इसका जमाना है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, क्या चार गो स्पेस या एक गो टैब, तो टैब यहाँ पे तो टैब अलग है, चार गो स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन, ताकि इसमें कर्ली ब्रेसेस का झमेला खत्म। तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा मेन के अंदर है, ले लेगा, वो सिर्फ उसी कंपाइलर में, हर कंपाइलर में नहीं, इसीलिए तो दिक्कत हो जाता है। हर एक कंपाइलर में, किसी किसी कंपाइलर में 8 स्पेस ले लेता है, तो लेकिन उसी ना समझे 4 स्पेस है बोलते हुए। अगर आप गलती से भी इसको सोचोगे 8, ठीक है, 4 और, ठीक है, तो इसका मतलब समझेगा वो इसके अंदर है। सर अगर फर्स्ट इफ में फर्स्ट इंडेंटेशन होगा 4 स्पेस, फिर 4 स्पेस के उसके अंदर फिर एक मुझे इफ स्टेटमेंट देना है, फिर 4 स्पेस, मतलब ये स्पेस मतलब 4 ही होगा। बोला इसे नोटपैड में लिखने से समझ में नहीं आएगा, वो आपको आईडीएली में लिखने से ही समझ में आएगा। कि ये जो बोले बहुत ही सही चीज बोले कि फाइल में गए न्यू फाइल, देखिए ये कंपाइलर ही ऐसे बना है कि इफ के अंदर एक कंडीशन लिख दी है, अगर 3-5 से छोटा होगा तो कंडीशन ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हाँ, तो प्रिंट हाई इफ, ध्यान से, इफ अगर 5-8 से छोटा होगा तो, ये ऑटोमेटिकली मैं मार नहीं रहा, ये इंटर मारते ही ऑटोमेटिकली वो ले ले रहा है, देखिए वो खुद से ले रहा है, ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर कभी कभी नहीं लेता है तो क्या करना पड़ता है, 1 2 3 4 अपने मैनुअली मार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक और चीज़ है, टैब भी मारेंगे तो 4 ही लेता है, इस सॉफ्टवेयर का सिर्फ कमाल है, टैब का मतलब भी 4 ही लेता है, तो आपके पास और इंटर मारने पे भी 4 ही लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ें हैं, तो ये तो मैं अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट था वो है सिंटेक्स, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, समझ में आ गया।
दूसरा है ये तो हो गया, दूसरा है इफ, सॉरी पहले तो अकेला इफ, पहला अकेला इफ, दूसरा है इफ और एल्स, ठीक है। बोला अकेला इफ, ठीक है, मतलब अकेला इफ कैसे कोडिंग लिखेंगे, इफ अगर मेरा कंडीशन सही होगा, कंडीशन सही होगा तो इफ के अंदर आएगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, बस हो गया। तो सर कैसे समझ में आएगा कब सिर्फ इफ लगाना है और कब इफ और एल्स लगाना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन में फंसा देगा। तो आपका दिमाग कब कहेगा कि मुझे इफ सिर्फ लगाना है या इफ और एल्स दोनों लगाना है, बहुत ही सिंपल चीज है, जब भी क्वेश्चन को पढ़ के फील हो, ठीक है, व्हेन ओनली वन कंडीशन गिवन, कंडीशन गिवन, ठीक है, वन कंडीशन, कंडीशन गिवन या कंडीशन ट्रू, नो फॉल्स कंडीशन, नो फॉल्स कंडीशन, जब मेरा फॉल्स कंडीशन नहीं दिया रहता है, एक ही कंडीशन दिया है वो सही है, तो हम लोग सिर्फ इफ का इस्तेमाल करेंगे। बोला ओके ठीक है, और अगर मुझे इफ व्हेन टू कंडीशन गिवन, व्हेन व्हेन टू कंडीशन ना 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 इसमें नहीं, ठीक है, टू कंडीशन गिवन, वन इज ट्रू अनदर इज फॉल्स, ठीक है, अभी हम अपने लैंग्वेज में समझाएंगे, ठीक है, अनदर इज फॉल्स, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ और एल्स। बोले एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल चलो मैं देख लेता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज, वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट और ऑड, इवन और ऑड या इवन और नॉट, दोनों में से कोई मतलब हो, मतलब यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे इफ और एल्स दोनों लगने वाला है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज, नंबर इज क्या चीज, लीप ईयर और नॉट, चलिए नंबर नहीं, ईयर इज लीप ईयर और नॉट, नॉट प्राइम नंबर और नॉट, लीप ईयर समझ में आ जाएगा, ओके लीप ईयर तो पता है कौन सा ईयर लीप ईयर होता है, कौन कौन सा लीप ईयर होता है, हाँ नहीं आपसे नहीं पूछा, सॉरी फेब्रुअरी मंथ वो लीप ईयर नहीं, वो क्या बोलते हैं, वही लीप ईयर फेब्रुअरी मंथ 29 दिन का होता है, 29 दिन का जो है, ठीक है, 366 दिन का ईयर होता है वो लीप ईयर होता है, क्या बोलेंगे, मैंने इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे, फोर से डिवाइड होता है, गुड, तो डिवाइड तो सभी होता है, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए, तो बोला गया ठीक है, तो आपसे वो मैं आपको 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 बस अपने सेंटेंस पे टिके रहना, मैं आपको बस बताऊंगा। अच्छा तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 बोथ और नॉट, तो सबसे पहले इवन और चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे हम लोग डिविजिबल बाय 3 and 7 और नॉट, क्योंकि ये सब इजी इजी है, उसके बाद लीप ईयर और नॉट, उसके बाद आपको प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। बोला सभी में इफ और एल्स दोनों लगने वाले हैं, बोला ठीक है, तो सर कैसे पता चलेगा सिर्फ इफ कहाँ लगता है, कॉपी तो क्या लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन, और में क्या लिखें, ठीक है, और तो कुछ तो होगा भाई, या तो होना चाहिए, तो दूसरा भी तो लिखेगा, हाँ, तो दूसरा जो मेरा है कि बोला ठीक है, अब राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट, नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू
write a program to print all even number in between 1 to 100. क्वेश्चन वही है, घुमा दिया गया कि सिर्फ ऑर्डर नंबर को आपको प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ जो जो इवन है सिर्फ उसी को प्रिंट करना है। 1 to 100 मत दीजिए, उसको छोटा कर दीजिए, 1 to 10 कर दीजिए। अरे मैं तो बस कर दूंगा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्रिंट ऑल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 7 both in between again same 1 to 100। मतलब ये रेंज में जब फेंकेगा आपको तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर से भाई, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ईयर, ठीक है, ऑल लीप ईयर इन बिटवीन 1900 टू 2022। ठीक है, 1900 से लेकर 2022 तक में जितने लीप ईयर पड़े हैं सबका सब। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर विच इज प्राइम, ऑल प्राइम नंबर इन बिटवीन अगेन सेम इन बिटवीन 1 to 100। लीजिए, क्वेश्चन ही पूरा घूम गया है कि नहीं। लेकिन ये बनाने के लिए आपको लूप भी चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक चेक करना होगा। ठीक है, तो लूप तो अभी सीखे नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कौन सा सीखना होगा? ये वाला, यानी वो बाद में सीखेंगे उल्टा, ये पहले सीखेंगे। ठीक है जी, उसके लिए तो उसको लूप भी चलाना होगा। 1 नंबर 1 होगा, 1 नंबर 2 होगा, 1 नंबर 3 होगा, तो 100 बार तो ही ना लिखिएगा, तो लूप अपना काम कर देगा। ठीक है, ये वाला आपको चलेगा ही, ये पूरा हर एक नंबर को चेक करते जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे पहले एक गो क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहीं पे तो 8 गो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए, तो आइडियली ओपन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए, इसको कमेंट मार के, तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट। सबसे पहला चीज क्या है, एक नंबर हम इनपुट लेंगे यूजर से, इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर कीजिए। ठीक ना, आप इधर से मत समझिए, पहले मैसेज प्रिंट करेगा, वो इनपुट लेगा और उसको इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करके लेगा। उल्टा ऐसे पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, देन इनपुट लेगा, देन जो इनपुट लेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एक बार में स्टोर कर देगा। तो एक बार में आपका एक लाइन में 3 वो काम हो जाएगा, मैसेज प्रिंटिंग से लेकर सब कुछ। ठीक है, अब बोला है कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 बचता है, यही तो इवन नंबर का है ना, डिवाइड तो सभी नंबर होता है लेकिन रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या था, मॉडुलस ऑपरेटर, याद है ना, परसेंटेज वाला जो ऑपरेटर मैं बताया था। तो अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड होता है तो प्रिंट इवन नंबर है, डिवाइड से क्वेश्चन निकलता है। मैंने बोला था रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज निकालना पड़ता है, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा क्या, देखते हैं। तो इवन नंबर अगर 35 क्या इवन नंबर है, देखते हैं। तो ये तो डिवाइड तो होगा ही 17 से,
लेकिन ये क्वेश्चन है तो वो निकाल के क्या मिलेगा, वो तो इसको देख के, अगर वन बचता है मतलब ऑड नंबर, अगर जीरो बचता है तो इवन नंबर, हमको वो नहीं देखना है, वो तो समझे ना। तो इसीलिए तो हमारे पास यहाँ पे अगर मेरा टू से मॉडुलस करने के बाद रिमाइंडर जीरो बचता है तो इवन नंबर, डबल इक्वल्स टू, ताकि वो देखिए वो तो जीरो बचेगा मुझे भी पता है, लेकिन मुझे तो इक्वल्स टू चेक करना होगा ना। अगर इसका मतलब क्या हो गया, नहीं भी होगा तो जीरो कर दो, ये असाइनमेंट है और वो टेस्टिंग है क्या जीरो है। तो ये टेस्टिंग है, इवन नंबर एल्स एल्स प्रिंट ऑड नंबर, प्रिंट ऑड नंबर, ठीक है बोला हो गया। ये इतना छोटू सा कोड है, ठीक है इंडेंटेशन भी है। अगर अगर नॉट इवन लिखना है तो नॉट इवन लिखिए, नहीं वो मैसेज देगा। अच्छा कि नहीं है, नहीं है मतलब जीरो के बराबर नहीं है, मतलब वन है, इसका मतलब तो वन है, मतलब ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, जो प्रिंट मैसेज है वही प्रिंट, वही प्रिंट होगा, जो मतलब आंसर आएगा इवन में वही आंसर आएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर नॉट इवन, ठीक है। चलिए एक बार सेव करके देख लेते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर पाइथन 46 के अंदर जाके F6 रन। चलिए मैं डालता हूँ, तो सबसे पहले 35 नॉट इवन नंबर, देखिए प्रोजेक्ट बन गया मेरा 32 मेरा, हम एक ही बार सॉफ्टवेयर का कोड बनाएंगे वो है ना 32। तो एल्स में अगर रियल आंसर प्रिंट करना है तो एन मॉडुलस 2 का वैल्यू लिख दीजिए, क्या आएगा, ठीक है एन को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचता है दिखाते हैं, 35 वन बच रहा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इवन नंबर डालिए उसमें जाने दीजिए, है ना इवन में तो इसमें जाएगा ना, नहीं आप उसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दें, अब कोई इवन नंबर डालें इसमें, आप इवन नंबर, अच्छा क्योंकि वहां पे कोडिंग में मैं नहीं मॉडुलस 2 दिया हूं, इसलिए वो रिमाइंडर ही, अगर कुछ अनइवन नंबर होगा तभी वो रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन निकालने के लिए क्या वहां पे सर, क्वेश्चन 82 वहां पे सर डिवाइड वाला साइन, हां डिवाइड होगा, क्वेश्चन निकालने के लिए यहां पे सिंगल डिवीजन से फ्लोट डिवीजन, ये गोटा नंबर, ये इंटीजर नंबर था सिंगल लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर में तो बताया था ना, डबल इनटू भी होता है डबल डिवीजन भी होता है, सिंगल डिवीजन फ्लोट में आंसर देता है, डबल डिवीजन इंटीजर वाला वैल्यू देता है, इनटू देता है मल्टीप्लिकेशन और डबल इनटू देता है एक्सपोनेंट। सर आपने जो डबल इंडिविजिबल का जो आपने दिया है, अगर वो आंसर स्टिल अगर उसमें आता है तो मतलब अगर इंटीजर में आता है तो वो सपोर्ट करेगा, दिखाते हैं रुकिए यहां पे मॉडुलस रहने दीजिए, ओके और आप यहां पे चाहते हो क्वेश्चन निकालना, मैंने कब जब वो नॉट इवन रहेगा, तो चलिए 35 17 नंबर 17 क्वेश्चन निकाल दिया, ये क्वेश्चन निकाल दिया आपको, ठीक है है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन निकालने के लिए वो डबल और मॉडुलस निकालने के एक्स्ट्रा और भी ऐड करना हो तो हम लोग कॉमा दे देंगे उस लाइन पे, ठीक है ओके। आपको ये प्रिंटिंग पहले आना चाहिए था, हम प्रिंटिंग तो बोले थे, प्रिंटिंग तो आपके ऊपर है, आप तो अभी खाली सीख रहे हो कंडीशन लगाना, इसमें नया क्या था, प्रिंटिंग तो आपको पहले से ही आता है। एक क्वेश्चन, हाँ इफ स्टेटमेंट ठीक है वो तो क्लियर है, लेकिन इस केस में भी हमको वो वेरिएबल ही फर्स्ट एक वेरिएबल हमें
करना ही एकदम नहीं, क्वेश्चन को पहले पढ़िए. बोला है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट. ठीक है, मैं इसको कैसे कैसे कर सकता हूँ. पहले प्रिंट कराओ इंटर अ नंबर, उसके बाद इनपुट लेंगे. ठीक है, मान लीजिए इनपुट जो लेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, उसके बाद उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करो. इतना तोड़ तोड़ के तीन बार लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपका अभी भी वही काम होगा, पहले मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद इनपुट लेगा स्ट्रिंग में, उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके N1 को टेस्ट करेगा, जो इंटीजर में कन्वर्टेड डेटा है, कि उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है. अब तोड़ तोड़ के एकदम समझना, ये हो रहा है इतना कुछ मैं एक लाइन में कर दिया था, लेकिन अभी आउटपुट सेम ही आएगा. सेव कर देते हैं, फिर से इंटरन नंबर ही आया. ठीक है, लेकिन हाँ इंटरन नंबर के बाद स्लैशन लग जाता है लास्ट में ऑटोमेटिकली, इसलिए नीचे कर्सर उतार दिया. ठीक है, 34 काम तो वही कर रहा. ठीक है, तो ये तीन लाइन में लिखने से, और बच्चा लोग कभी कभी रट्टा मारने लगता है कि प्रिंट के बाद हमेशा इनपुट होता है या स्कैनएफ होता है. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि नहीं, ये सब क्यों हम सोचेंगे. हाँ, मेरा क्वेश्चन यही था. क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक, एक प्रोग्राम लिखिए टू चेक अ नंबर. तो एक नंबर पहले तो आपको पहले ही बोल दिया, अ नंबर इज इवन और नॉट, इवन और नॉट का चेकिंग करके मैसेज, चेकिंग करके मैसेज. क्वेश्चन ही यही बोला था. समझ में आया जी, ये मेरा लाइफ का पहला कोडिंग है जो कि समझ में आया, इसीलिए हम आप लोगों को भी पहले फोकस इस पे करवा रहे हैं. पहला कोडिंग भी बहुत भारी पड़ा यार. देखिए मैथमेटिक्स की अगर कोई भी नंबर को मैथ अगर आप अगर क्लियर है तो आप कोडिंग सीख जाओ. कोई भी नंबर को डिवाइड करना अलग चीज़ है, डिवाइड तो ये निकालता है, और मॉडुलस करना तो ये निकलता है. तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो इवन कहलाता है, एल्स ऑड होता है. मॉडुलस का उसका नहीं, अगर रियली मुझे परसेंटेज निकालना है तब भी तो मुझे वो मॉडुलस नहीं, आपको ये निकालना होगा एन का 30% कितना होगा. अच्छा, इसीलिए तो ये डिफरेंस है. परसेंटेज निकालना इजी है लेकिन रिमाइंडर निकालना टफ है. तो रिमाइंडर को इसलिए वो क्या किया, एक रिमाइंडर को वो क्या किया है, एक ऑपरेटर बना के रख दिया है. समझे, ओके. आने दीजिए, इस क्वेश्चन से तो मेरा उसका कोई मतलब नहीं है. अब आता है क्या हम लोगों का नेक्स्ट. बोला है दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे पहले जाइए, क्वेश्चन कोडिंग आपको सिखा सकता है और कोई नहीं सिखाएगा. तो बोला राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 बोथ और नॉट. 3 से भी होना चाहिए, डिविजिबल चेक नॉट डिवाइड चेक. तो बोला है तब कैसे करेंगे कि एक नंबर लिए फिर से. ठीक है, बोला 3 से भी होना चाहिए एंड 7 से भी होना चाहिए. ये भी कंडीशन सही होना चाहिए और ये भी कंडीशन सही होना चाहिए. तो लिखना होगा डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय बोथ और Not divisible by both. Sir, ये जब divisibility check करना है, तब modulus क्यों use करें? Simple हम लोग slash use करते हैं. Divide उसको बोलते हैं division. और ये divisible. Divisible मतलब remainder should be zero. Divisible word का मतलब ही होता है divide नहीं. Divide मतलब divide, quotient. अच्छा, quotient और remainder दोनों ही आ गए. नहीं, remainder नहीं आएगा. Remainder उसमें भी zero आएगा.
अगर डिवाइडी हो हाँ जीरो आए, लेकिन उस टर्न को क्या बोलते हैं, उसको डिविजिबल बोलते हैं यहाँ पे कोडिंग में। अच्छा, जब आपका रिमाइंडर जीरो आएगा तभी वो डिविजिबल कहलाएगा। अच्छा, अगर मॉडुलस यूज करते हैं, रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो ही वो डिविजिबल नंबर कहलाएगा, डिविजिबल बाय उस नंबर। ठीक है, ठीक है। अगर अगर नहीं आया कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी आया, तो उसका मतलब नॉट डिविजिबल। अच्छा, नहीं तो हम लोगों को तो वही चेक करना है। हाँ, whether this number to the ये जो both number है, whether it is divisible by 2 or not। हाँ, है ना, एकदम सही। तो ये वाला 2 वाला नहीं है। हाँ, divisible by 3 or 7 both or not, both or not। तो suppose 21, चलिए देखते हैं, suppose क्या run करा लेते हैं। सबसे पहले 21 तो divisible by both, wait, divisible by both। अच्छा, 14 तो 14, लेकिन 7 से है, 3 से नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय बोथ। अच्छा, ठीक है। और अगर 9 तो डिविजिबल, अगर वो अगर उसमें आप वो मॉड्यूल का सटा के वो डिवीजन का वो डाल क्या आता है, एक बार तो फिर सर क्वेश्चन का वैल्यू आएगा एंड हमें पता नहीं चलेगा कि वो डिविजिबल नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं पता चलेगा। देखिए ना, 9 3 से भी है, 7 से भी है, डिवाइड तो होगा। नहीं, 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, 7 से भी तो डिवाइड होगा। हां हां, ये डिवाइड है तो नॉट डिविजिबल बाय बोथ। मतलब अब तो नंबर से ही डाल, जीरो तो नहीं आ रहा ना, 3 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। लेकिन अब तो सर वो हटा दिया ना, मतलब अब तो सर मॉड्यूलस हटा दिया। अरे तो 9 को 3 से डिवाइड करने पे तो 3 आएगा, 9 को 7 से डिवाइड करने से तो 1 आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। है ना, तो कोई और नंबर को चेक करने के लिए फिर तो कुछ और आंसर आएगा। हम्म, इससे तो काम ही नहीं होगा आपका, तो हमेशा तो नॉट डिविजिबल बताएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें डबल स्लैश ना लेके वैसे उसी उसी में, मतलब इंटीजर वैल्यू नहीं, मैं फ्लोट वैल्यू में मैं लेता हूं, देखिए कुछ है 21, 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 7। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना 7। और सर उसको सिंगल स्लैश दीजिए, सिंगल मैं वो देखना चाहता हूँ, फ्लोट वैल्यू में क्या रिटर्न दे रहा है। ओके, आपको क्या लग रहा है पहले आप बताइए, उसके बाद हम करते हैं सॉल्यूशन तो बाद में। तो इसका आंसर आएगा अगर 21 देते हैं तो, ठीक है, 21 देते हैं तो 7.0 जो कि 0 के बराबर नहीं है, नहीं काम करेगा, यहीं से तो बाहर निकल जाएगा। मतलब कुछ भी कर लीजिए नॉट डिविजिबल दिखाएगा। अच्छा, कुछ भी, हाँ, मतलब वो तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। हाँ, नॉट डिविजिबल बाय, क्योंकि देखिए ये तो 21 को 3 से डिवाइड कीजिएगा सिंगल डिविजन से, तो आपका कितना आएगा, ये 7.0 नॉट 7, सॉरी 7.0, और ये आएगा 3.0। अब दिखाएगा डिविजिबल बाय बोथ उल्टा। अब 21 करिए, लेकिन ये तो उल्टा पुल्टा हो गया पूरा, ठीक है, एक्चुअली तो ये कोडिंग नहीं है, कोडिंग तो मेरा ये हाँ हाँ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमेशा मॉडुलस, डिविजिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल के लिए हमेशा मॉडुलस ऑपरेटर। मतलब अगर कोई बोलेगा इवन नंबर का डेफिनेशन बताओ, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, मतलब इसका डेफिनेशन ही यही है, समझे ना, इवन नंबर का डेफिनेशन ही यही है। हाँ, a number which is divisible by 2, simple, but 15 तो क्या बोलेंगे, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर है, क्योंकि नॉट डिविजिबल में आएगा, डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब ही होता है रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है, ओके। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए तो ये हुआ मेरा तीसरा क्वेश्चन। अब बोला है कि एक लीप ईयर है या नहीं, ये मजा आएगा, ये क्वेश्चन में बहुत मजेदार है। अभी आप आपसे मेरा बात हुआ था कुछ देर पहले, जो नंबर 4 से डिविजिबल होता है सभी लीप ईयर कहलाता है, ठीक ना, तो इंटर अ, अच्छा ठीक है, नहीं बात सही है, जो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए तो मैं डिविजिबिलिटी के ऊपर ही सारा क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है,
तो नंबर इज क्या, ईयर इज लीप ईयर, जो जो इतना सोचना क्या है, लीप ईयर ठीक है, नॉट लीप ईयर ठीक है। बोला क्या कोड सही है, आई थिंक सब लोग बोलेगा सही है ना। हाँ नहीं, लीप ईयर प्रिंट होगा, हाँ आंसर जैसे 2000 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, 2004 ये भी एक लीप ईयर है, हर 4 साल के बाद जो गैप में ईयर आता है तो लीप ईयर कहलाता है। तो क्वेश्चन ये है कि 2100 2100 100 साल के बाद वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है ठीक है। क्वेश्चन आप चलिए, इतना डाउट है कोड में, हम लोगों से तेज कोड है ठीक है। मेरा कहने का मतलब देखिए, अभी मैं अगर 2100 डालूं तो ये लीप ईयर आपको बताएगा आपका कोड, लेकिन नहीं है। हाँ क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में कहा जाता है कि 366 पॉइंट समथिंग, वो 366 नहीं रहता, डेज और आवर मिला के जो लीप ईयर वाला, तो 100 साल के बाद वो चेंज हो जाता है। वो 366 पॉइंट जो समथिंग निकलता है हर एक में, वो जाके 100 साल के बाद वो ऐड हो जाता है और एक दिन चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है कम हो जाता है जो भी है। 367 डेज नहीं होता, 365 में फिर से फ्रैक्शन है। हाँ फ्रैक्शन, इसीलिए 100 साल के बाद बाद गड़बड़ हो स्टार्ट होता है ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन बोला लीप ईयर कब कहलाएगा, एक नंबर सबसे पहले 400 से डिविजिबल होना चाहिए। बोला जैसे एग्जांपल, 2000 1600 लीप ईयर था, 2000 भी लीप ईयर है, 2400 भी लीप ईयर निकलेगा समझे, 2800 भी लीप ईयर, हर 400 साल के बाद वाला फिर से घूम के ठीक हो जाएगा, बात समझना। कोडिंग लिखना है ठीक है, जो ईयर 400 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन ध्यान रहे, जो ईयर एलिफ, जो ईयर 100 से डिविजिबल होगा, एलिफ ठीक है, वो मैं बताऊंगा उसको अभी मत, लॉजिक पे पहले फोकस। बोला जो ईयर 100 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा, जैसे बोला क्या 1700 1800 1900 बीच बीच में जो 100-100 से 2100, बिल्कुल सही। जो ईयर 100 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा ठीक है। बोला सर 1600 भी तो 100 से होगा, सर दोनों कैटेगरी को पार करने के बाद वो डिसाइड करेगा हाँ एक्चुअली में ये पहले 400 से चेक हो जाएगा तो ये नीचे चेक ही नहीं होगा, क्योंकि एट ए टाइम किसी एक को ही चेक करेगा समझे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो ईयर 4 से डिविजिबल होगा, जैसे 1604 1608 ये सब लीप ईयर कहलाएगा। जो 400 से भी नहीं होगा, 100 से भी नहीं होगा, लेकिन 4 से होगा वो लीप ईयर कहलाएगा ठीक है ओके। जो ईयर 4 से नहीं, मतलब 1 से 2 से 3 से, इसलिए उसको एल्स में लिखा जाता है ठीक है। बोला जैसे एग्जांपल 1601 1602 1602 1603 तो ये नॉट लीप ईयर के अंदर रखा गया, बात समझना। कोई नंबर जो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो कभी लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो जो जो नंबर सिर्फ 400 से या फिर और 4 से, तो वो लीप ईयर कहलाएगा ठीक है, 400 या तो 4 से ठीक है, तो वो लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन 100 से नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लोग का एक गलती होता है यहीं पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट
क्योंकि मैं हर कंडीशन को चेक करूंगा ना, ठीक है। अगर कोई कोई बच्चा लोग ये कर देता है, ठीक है, मतलब इसी कंडीशन में फालतू का इसको सर क्यों बाद में लिखेंगे। अगर कोई नंबर 400 से और 4 से डिविजिबल हो तो वो लीप ईयर कहला जाएगा। तो क्या 1700 400 से नहीं, 4 से नहीं है, 400 से नहीं है, 4 से तो है ना, 1700 तो ये भी लीप ईयर में आ जाएगा। ऐसा गलती नहीं करना है, 1700 4 से डिविजिबल है तो इसीलिए वो लीप ईयर में आ जाएगा। ये कोड मत लिखिएगा, आपको कोड कौन सा लिखना है ये वाला कोड एकदम लाइन बाय लाइन, नहीं तो इसमें फंस जाइएगा आप। जो नंबर 400 से डिविजिबल होगा लेकिन 100 से नहीं होना चाहिए, 4 से नहीं होना चाहिए, नीचे मत चेक कीजिए, एट ए टाइम किसी एक से चेक कीजिए। कंडीशन का आपका आप कितने साल का चेक कर रही हो, देख रही हो 1600 से लेकर 2800 से कितने कंडीशन, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 100 तक 101 102 कितना लिखिएगा कंडीशन। चलिए आपके लिए ठीक है, 100 वाला लाइन नहीं लिखते हैं, आप जो बोल रहे हो एकदम आपके लिए सही बोल रहे हो, क्योंकि 4 से डिविजिबल हो गया ना तो लीप ईयर बोल देगा, 1700 लीप ईयर नहीं आता। अगर यही चीज बीच में घुसा दीजिए तो कोड तो गलत हो गया ना, आंसर गलत आया कि नहीं आया, लेकिन यही चीज बीच में घुसा के रखिए। देखिए रूल्स के अनुसार हर 100 साल के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो फिर से ठीक कब होगा, फिर 400 साल के बाद ठीक होगा, ये पहले से फॉर्मूला ही है। तो 400 से होगा एकदम पक्का लीप ईयर है, 100 से जो जो होगा वो, लेकिन 400 से होने के बाद वो 100 को नहीं चेक करेगा, क्योंकि एट ए टाइम कोई एक ही कंडीशन को चेक करेगा, इसको चेक करेगा तो ये सब नहीं चेक करेगा कोई भी, इसको चेक करेगा ध्यान रहे। तो अब फायदा क्या हो रहा है, 100 से ही क्यों, क्योंकि मैं बोला 100 के बाद चेंज हो जाता है 100। एक्चुअली मैं आप हम लोग बोल चाल भाषा में क्या सीखते हैं, हर 4 साल के बाद लीप ईयर पड़ता है, तो अगर 1600 लीप ईयर है तो 1604 भी लीप ईयर है, 8 भी लीप ईयर है, तो 25 बार में तो 100 पहुंचेगा, तो वो भी तो लीप ईयर नॉर्मली होना ही चाहिए, बट नहीं होता है क्योंकि वो फ्रैक्शन जुड़ जुड़ के डेट चेंज हो जाता है। तो वही जो फ्रैक्शन तो वो 100 में लिख दिया कि जो नंबर 400 से ना हो लेकिन 100 से हो वो लीप ईयर नहीं होगा। एल्स में तो आ रही है, देखिए अगर मैं नहीं लिखता हूं तो उससे दिक्कत क्या हो रहा है कि 1700 इसमें तो टेस्ट नहीं कर रहा, 1700 इसमें टेस्ट कर रहा, 4 से डिविजिबल हो जा रहा, लीप ईयर प्रिंट कर देना, नॉट लीप ईयर दिया मतलब समझे, इसीलिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो 4 से 1700 तो 4 से डिविजिबल है ना, 1800 भी 4 से डिविजिबल, हर 100 साल के बाद 4 से डिविजिबल होगा ही, तो इसीलिए सिर्फ एक वो कंडीशन नहीं है, इसका 4 वो कंडीशन है कि 400 से होना चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए, 4 से होना चाहिए अदर देन किसी और से नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअली मैं पूरे फॉर्मूला में जो नंबर अगर डेफिनेशन कोई पूछेगा तो 400 से और 4 से होना चाहिए तो वो लीप ईयर कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं 1600 से आप समझिए 1600 लीप ईयर था, 1700 नहीं पड़ा, 1800 भी नहीं पड़ा, 1900 भी 2000 पड़ा, फिर 2000 पड़ा, ठीक है, मैंने 1900 से 2000 नहीं समझ में 24 पड़ेगा लीप ईयर, ठीक है, ओके। अच्छा मतलब इसलिए आप बोले कि 1600 से आप मानते हैं, हां आप 1600 से समझिएगा तो ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा नहीं समझ में आता है 1600 लीप ईयर था, ओके, क्योंकि हम लोग उस समय में नहीं थे,
कोडिंग तो उससे पहले का बना, 400 साल हर 400 साल के बाद, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला ठीक है। लास्ट है प्राइम नंबर और नॉट, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर भूल गया, प्राइम नंबर शायद होल नंबर ना क्या पता होल नंबर, ठीक है। हम मैं उस तरह से याद नहीं रखता, लाइक 10 इज अ प्राइम नंबर, 10 इज अ प्राइम नंबर और व्हाट? नो, और नेचुरल नंबर आई थिंक। प्राइम नंबर वही होता है जो सर खुद से ही डिवाइड होता है। गुड गुड, खुद से ही डिविजिबल होता है, खुद से डिविजिबल, खुद से और 1 से। अच्छा, दुनिया का एक नंबर हमको बताइएगा जो खुद से और 1 से डिविजिबल नहीं है। खुद से भी है, 0 से भी, 1 से भी है, 0 ही आएगा भले। सभी नंबर, दुनिया का सारा नंबर खुद से, 16 1 से और खुद से तो है ही। डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस करिएगा, किसी और से नहीं होनी चाहिए, डेफिनेशन यही है। सब सब नंबर खुद से और 1 से होता ही है, अदर देन किसी और से नहीं होना चाहिए। हाँ। तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, है ना। हाँ। मैंने इसका अगर डेफिनेशन में जाइएगा, इंग्लिश का डेफिनेशन, बांग्ला का डेफिनेशन, हिंदी का डेफिनेशन में उलझ जाइएगा, सेंटेंस अगर किसी को समझाइए तो समझ में नहीं आए। तो बोला गया हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, दो ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, टू फैक्टर्स ओनली, 1 एंड इटसेल्फ, यही डेफिनेशन है, नहीं तो आप समझा नहीं पाइएगा किसी को। Having two factors only, 1 and itself is called prime number. ठीक है? तो सर सारे नंबर तो 1 और खुद से divisible हैं। Two factors only, ये word में जाइए। अच्छा। 16, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। Total number of factors कितने हो गए? 5. इसका मतलब not prime number. Two factors only, जैसे 17, 1 और 17, 2, 1 और 2, 5. 3, 4 नहीं, 1, 2, 4, 3 को हो गया। समझे? पहले डेफिनेशन पे आपको बोला ना, मैथ अच्छा हुआ कोड लिख लोगे, मैथ खराब रहा तो कोड नहीं लिख पाओगे। पहले वो ठीक रखना। जैसे कि मैं मैथ में खराब हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होने वाला है, मुझे पता। तो बोला गया कि एक एक काम कीजिए, एक नंबर लीजिए, ध्यान रहे एक नंबर लीजिए। मैं एग्जांपल किसका देता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ 28 का, सबसे आसानी से समझ में आता है। ये 28 में फटाफट नंबर नहीं मिलता, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, 14 मिलेगा और 28 मिलेगा, तो बीच बीच में नंबर नहीं मिलेगा। तो मुझे एक लूप चलाना है, हाउ टू क्रिएट लूप, तो फॉर लूप, फॉर एक्स इन रेंज, एक्स फॉर एक्स इन रेंज, मैंने एक्स एक वेरिएबल है जो कि एक रेंज में घूमेगा, इन मतलब रेंज, इन मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। कहाँ से? 1 से लेके एन तक, 28 तक। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे एन तक, तो वो 27 तक घूमता है, मतलब हमेशा लेस देन चलता है। तो प्लस 1 लिख दीजिएगा, तब जाके वो 28 तक चलेगा। तो 1 से लेके 28 तक, और एक एक करके इंक्रीमेंट करो। तो फर्स्ट का क्या मतलब है एक्चुअली, मैं इसको हम थोड़ा सा समझा भी देते हैं कमेंट मार के, कि फॉर लूप एक्स का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 28 तक चल रहा, और एक्स प्लस प्लस मैंने एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा, ये इसका मतलब यही है इस लाइन का। ना क्या नो लिखते पार ना क्या सीयर एट तो प्रॉब्लम, एक्स एक वेरिएबल है जो लूप चलाएगा। तुम इन जेखनो लगाते पड़ो, मतलब कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है, फॉर एम वन इन रेंज, मतलब अब एम वन से लूप चलेगा, ठीक है। तो आसान क्योंकि मेरा हैबिट है, ठीक है, जो कि एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। अगर दो दो करके इंक्रीमेंट, मतलब 1 के बाद दो गैप, मतलब 3 इंटरवल, ये इंटरवल है, मतलब दो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा या दो दो करके इंक्रीमेंट होगा। सर कोडिंग में रेंज भी कॉमा देके लिखते हैं? रेंज, हाँ, रेंज के अंदर इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब ये कॉमा से डिनोट होता है। हाँ सर, कौन सा वाला स्टार्ट का फॉर लूप एक्सिक्यूट, ऑब्वियसली एटा,
বললো কেন এটা যখন তুমি লুপ পড়বে সি এর মধ্যে এটাকে খালি রাখতে পারো, এটাকেও খালি রাখতে পারো, এখানে একটু খালি রেখে দেখাও তো, সঙ্গে সঙ্গে এরর মারবে, ভরতেই হবে, ঠিক আছে, কোনো জায়গায় স্পেস চলবে না। ওয়ান সে শুরু হোগা, স্টার্টিং পজিশন ওয়ান, এন্ডিং পজিশন এন তক, তো কম্পিউটার ইহা পে এন সমঝতা হ্যাঁ, তো এন প্লাস ওয়ান মানে আঠাইশ তক, এসে সাতাইশ তক চলতা, আঠাইশ তক চলেগা। नहीं जो इनपुट डालेंगे वो अच्छा, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों है, ये सेपरेटर का काम, ये सेपरेटर तब तो ये डिफरेंशिएट करेगा। नहीं वो जो कॉमा है वो तो सिंटैक्स है, हाँ, सिंटैक्स है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीजें आपको पहले समझिएगा, आप बोलना चाह रही हो वन से लेके 28 तक, ये रेंज, हाँ यही चीज, ये हाइफन क्यों लगता है, तो वही चीज आप समझना, वो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब होता है ये प्रीडिफाइंड है, इसी तरह से लिखना है, ये रट्टा नहीं मार रहे हैं, ये सिंटैक्स है, मतलब आपको कुछ चीजें प्रोग्रामिंग में, जैसे आपको बोलना जाता है कि एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड आप खोले, आपको मार्जिन कम करने के लिए यहीं से करना पड़ेगा, और कोई तरीका है मार्जिन के लिए नहीं है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है, कॉमा पकड़ के चलिए, ठीक है, लेकिन उसमें लास्ट वाला कॉमा स्टेप साइज, वन के बाद क्या होगा, तो टू एक करके इंक्रीमेंट, टू के बाद क्या होगा थ्री, ये लास्ट वाला स्टेप साइज है, लेकिन अगर यहाँ पर टू लिख देंगे तो वन के बाद थ्री दो दो करके जंप करने लगेगा, ठीक है, तो ये तो लूप जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, अभी तो लूप नहीं पढ़ा रहे। तो सर ये जो सिंटैक्स है, कॉमा है, हाइफन जो भी है, हाँ, ये हमारे दिमाग में घुस जाएगा, हाँ, देखिए ये जो सिंटैक्स है ये आपके दिमाग में घुस जाएगा, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको जब इसका फायदा समझ में आएगा कि क्या फायदा है, देखिए जैसे इसको हम इस तरह से कैसे, हाँ तभी तो आपको देखो, एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन फिर से वापस समझो, आपका है कि प्राइम और नॉट, तो एक आपको फैक्टर चेक करना है कि 28 किस किस नंबर से डिविजिबल है, डिविजिबल है तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है, 7 से है, 14 से है, और 28 खुद से है, तो लूप तो 1 से 28 तक चलाना होगा ना, तो आगे बढ़ना चाहिए ना, तो जंप नहीं करेगा तो 1 से 28 लेकिन एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा, ये नहीं भी लिखोगे तो एक एक करके ही इंक्रीमेंट करता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन बाद में तो डिक्रीमेंट भी कर सकते हो ना आप, कर सकते हैं, तो इसीलिए वो पहले से सिंटैक्स वैसे ही प्रैक्टिस कर, जो इंटरवल है अगर मैं उसमें 3 लिखूं 3 तो 1 तो 2 तो मिस हो जाएगा, हां मतलब सर अगर आपने मुझे दिया है उसके बाद मतलब आपने 1 मेंशन किया, हां वो पहले 1 को चेक करेगा देन 2 को चेक करेगा, एकदम सही चलते रहेगा, और उसके बाद अगर आपने ऊपर 2 लगाया तो 1 करेगा फिर 2 को स्किप कर देगा, 2 2 करके स्किप मारते जाएगा, शुरू करोगे तो 4 इवन नंबर, तो क्वेश्चन जैसा वैसा घूम जाइए, तो एज ए कोडर तब मैं इतना टेंशन लूंगा ही नहीं, मैं 1 ही डालूंगा, ठीक है, हर एक को चेक बाई डिफॉल्ट 1 ही लेगा, लेकिन आप हैबिट फिर भी रखना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दिया है कि 3-3 करके इंक्रीमेंट चेक होगा, लेकिन आपका दिमाग प्रैक्टिस नहीं है, छूट जाता है, मैंने आपका दिमाग में लग रहा है कि हम लिख दिए हैं, मेंशन रहता ही है कि आपको बोल देगा राइट अ प्रोग्राम टू चेक ऑल प्राइम नंबर इन बिटवीन, तब तो मैं 1 ही डालूंगा, ऑल प्राइम नंबर अगर दे तो मैं तो 1 ही डालूंगा, स्किप मान दीजिए ना, ये तो पहले लूप पहली बार आया है,
तो इतना क्वेश्चन आ गया आपके मन में, ठीक है? पहले ये लूप दे दूँ। अच्छा, तो बोला है कि अब आपको क्या करना है, फॉर लूप, एक इफ, ठीक है? अगर 28 मतलब n का वैल्यू मॉडुलस बाय x, याद नहीं रखना है, पहले समझना। मेरा क्वेश्चन क्या है कि 28 किस किस नंबर से डिविजिबल है यही चेक करना है, यही है? अच्छा, तो 28 किस किस नंबर से, तो 28 को पहली बार 1 से चेक करेंगे, यही ना? प्लस प्लस 28 को 2 से, क्योंकि n का वैल्यू चेंज नहीं होगा लेकिन x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। 28 को 3 से, 28 को 4 से, 5 से, तो जब जब डिविजिबल होगा तब तब सिर्फ प्रिंट करो, इससे ज्यादा नहीं करना है, तब तब प्रिंट करो। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इससे ज्यादा कोड मत लिखिए अभी, पहले क्या लिखें, x से ही तो डिवाइड हो रहा है ना, तो x का वैल्यू जब 1 होगा तो 1, जब 2 होगा, जब जब डिविजिबल होगा तो वो x का वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि x वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है? तो 28 जानबूझ के करते हैं, तो 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 तक हो गया कि नहीं? कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने, हम लोग कितनी आसानी से डिविजिबिलिटी चेक कर लिए। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि अगर ये दो बार हो तो ही ये इवन नंबर, ये प्राइम नंबर कहलाएगा, क्वेश्चन तो ये है ना। तो आपको एक अलग से फिर से वेरिएबल लेना पड़ेगा, और जब जब डिविजिबल होगा तब तब गिनो। क्वेश्चन एक्चुअली में ये है कि कितनी बार हुआ वो मैटर नहीं कर रहा, दो ही बार होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? तो एक मैंने वेरिएबल ले लिया जो कि पहले से जीरो रहेगा, हो सकता है एक बार भी डिविजिबल नहीं हुआ तो काउंट का वैल्यू कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। हो सकता है दो बार हुआ तो दो बार घुसेगा, तो 0+1 वन वन, 1+1 2, जब जब डिविजिबल होगा तब तक वो काउंटिंग इंक्रीमेंट करते जाएगा, पूरा लूप जब घूम गया। नहीं समझे, फिर से वापस, आपका लूप ये क्या कर रहा था, फैक्टर प्रिंट कर रहा था जब जब डिविजिबल हो रहा था सिर्फ तभी। मेरा क्वेश्चन क्या था, जिसका वो सिर्फ वही नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा जिसके पास दो ही फैक्टर्स हो, तो दो कैसे पता चलेगा? ये तो पता चल रहा है कौन कौन फैक्टर है, तो वो दो पता करने के लिए मैंने एक वेरिएबल अलग से ले लिया। वेरिएबल का नाम यही लेना है ऐसा भी नहीं है, सी ही ले लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन काउंट लेने से समझ में आता है, अच्छा काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंट प्लस वन, तो जब जब डिविजिबल होगा तब तब काउंटिंग करेगा कितनी बार हो रहा है। ठीक है, एकदम सही बोले। अब इफ अगर काउंट का वैल्यू इज इक्वल इक्वल टू 2, अगर दो बार होता, जीरो ही एकमात्र ऐसा नंबर है जहां से स्टार्ट करोगे, तो अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहली बार मिलेगा तो 2 हो जाएगा, जो कि पहली बार मिला, 0 से पहली बार मिलेगा तो 1 होगा, 0+1 1, हमेशा एक कम लिखते हैं तभी तो वहां से 1 पहुंचेगा, ठीक है? तो अगर काउंट का वैल्यू 2 हुआ तो प्रिंट प्राइम नंबर, ठीक है? अब कितना मिला वो भी प्रिंट कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है? एल्स एल्स प्रिंट नॉट प्राइम नंबर, और वो भी कितना मिला वो भी प्रिंट कर लीजिए, नॉट, ठीक है? लेकिन कितनी बार मिला पता चल जाएगा। अब एक बार टेस्ट कर लीजिए, तो जानबूझकर 28 क्योंकि बहुत अच्छा है, नॉट तो बताया लेकिन 6 बार मिला, इसलिए देखिए तो 3 3 6 गिन लिया ना। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 17 दो बार मिला प्राइम नंबर, समझ में आया ना? 2, क्योंकि दो फैक्टर मिला, तो ये है पहले अंदर का आर्किटेक्चर। बोला ठीक है कि सर अभी क्वेश्चन क्या, अब देखिए क्वेश्चन क्या, मैंने मेरा क्या इसको प्रिंट कराना जरूरी है फैक्टर्स को? बोला ना, ये तो मैं आपको बस सिखाने के लिए, फैक्टर्स प्रिंट कराने का क्या मतलब है, क्या काउंट प्रिंट करना जरूरी है? ना, ये तो आपके सीखने के लिए था, आपको तो सिर्फ मतलब है कितनी बार फैक्टर्स मिला, देखो कितने आसान हो गया,
नॉट सिर्फ बताएगा अंदर में क्या हो रहा है, किसी को क्यों हम लॉजिक बताएंगे, सामने में दिखना चाहिए वही बस दिख रहा है, अंदर में हम वही कोड लिखे हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक ना? ये प्राइम नंबर एकदम सही है। बोला ठीक है थोड़ा इसको रहने दीजिए, फिर से वापस 28 के केस में पहले गलती क्या क्वेश्चन क्या है, फिर से मेरे मन में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ये कोड सही है या गलत है? गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है, इसको सही भी नहीं है, कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। मतलब ऑप्टिमाइज का मतलब कि जब ये 28 है तो लूप 28 तक चल रहा, ऑप्टिमाइज किसको बोलते हैं, जब इसको तीसरा फैक्टर मिला यहीं पे तो टूट जाना चाहिए, आगे चलना नहीं चाहिए था, जब दो ही फैक्टर्स होना चाहिए, तीसरा मिला मतलब आगे बेवकूफी है ना, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, 1 लाख तक चलेगा तो फालतू का स्लो हो गया ना। ये है टेक्निक, अब आपको समझ में आएगा वो एक एक करके इंक्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक एक नंबर करके जब क्वेश्चन जैसा बोला दो दो करके जंप करोगे तो जल्दी पहुंचोगे ना, एक एक करके तो स्लो होगा ना, आप तो एक एकदम सही है, मैं कहीं अरे वो बोले क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन का बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसे आपको स्टेप लेना पड़ेगा, जब आपको बोला कि नहीं भैया मुझे सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट कराओ तो 2 से तो शुरू होगा, इवन नंबर जो प्राइम नंबर है, कौन सा इवन नंबर प्राइम नंबर है, 2 ही है, ठीक है, तो बस खाली प्रिंट 2 लिख दीजिए ना, खत्म, आगे चलने का जरूरत ही नहीं है, ठीक ना? नहीं या फिर सर ऑड ही निकाल, ऑड को ही चेक करना है तो सर उसमें भी हम लोग 1 डाल के देंगे, 1 से 3 से, अब खाली ऑड ऑड लो, कौन कौन सा ऑड नंबर प्राइम नंबर है, तो बेवकूफी नहीं करोगे, अगर 101,000 को चेक करने को बोल दिया तो बेवकूफी करके उतनी बार आपका तो हाफ टाइम आपका ज्यादा लग गया। कोडर को सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऐसा एल्गोरिदम लिखो जो कि जल्दी से पहुंचे, काम करे, खत्म, गेट सीएच के पास आकर रुक जाए, प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है? तो इसीलिए तो एक कोडर का दाम 1 लाख रुपया सैलरी होता है, किसी का 10,000 रुपया सैलरी होता है, डिपेंड क्यों करता है, उसका कोडिंग उतना स्ट्रांग है, एल्गोरिदम फास्ट चल रहा है उसका, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम, अभी मेरा कोड में तीसरा फैक्टर मिलते ही टूट जाना चाहिए, तो मैंने कोड में क्या लिखना चाहिए, अगर इफ उसी में लूप के अंदर ही कि अगर काउंट इज इक्वल इक्वल्स टू 3 नॉट 2, पहली बार जब मिलेगा तो 1, क्या 3 है तो नहीं, चल चलते रहेगा, हाँ तो अगर 3 मिला तो ब्रेक द लूप, बस तो एल्स, तो एल्स लिखने का आपको जरूरत नहीं है, वो एल्स का मतलब समझता है कि अच्छा आगे चलते रहना है, जब उसको तीसरा फैक्टर मिलेगा सिर्फ तभी ब्रेक हो जाएगा। बोला एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, 17 के केस में 17 तक चलेगा, ठीक है, ये इसको भी प्रिंट करा करके समझाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, 17 के केस में 17 तक चलेगा, ठीक है, लेकिन 28 के केस में सिर्फ 4 पे आके ब्रेक कर जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं क्योंकि 3 को फैक्टर मिल गया, आगे चलने का मैंने बेवकूफी है, ब्रेक के नीचे क्या क्या लिखा है ये सब, तो प्रिंट कैसे करेगा, तो कंडीशन आप मेरा बात समझो अच्छे से, आप इतना समझो, आपका क्वेश्चन था इतना, आप बढ़ने के बाद अब मत सोचो, आपका जब इनिशियल स्टेज था तब समझो, इनिशियल स्टेज था कि मुझे सबसे पहले सारे फैक्टर को प्रिंट करना था, पहला क्वेश्चन था सारे फैक्टर को प्रिंट करो कि किस किस नंबर से डिविजिबल है, दूसरा कितने फैक्टर से डिविजिबल है तो काउंटिंग करो, तीसरा उस काउंटिंग को चेक करके प्राइम बोलो या नॉट प्राइम बोलो, लेकिन जो बाद में आप जो लिखे हैं ये तो आपने अपना कोड को ऑप्टिमाइज किया, ये तो रहना जरूरी है ना, समझे? तो इफ काउंट इज इक्वल इक्वल्स टू 3 तो ब्रेक, अच्छा अब कोड सही है सर, ब्रेक भी क्या यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड मतलब सर
फॉर एक कीवर्ड है, इन एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, कीवर्ड को देख के भी समझ में आ जाता है कौन कौन सा कीवर्ड है। फंक्शन रेंज एक फंक्शन है, इनपुट एक फंक्शन, कलर चेंज है, कलर चेंज है, ठीक है। लेकिन सर फिर वहां पे ब्रेक देने का, फिर बाकी जो बाद में जो लास्ट है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, वो तो लूप को ब्रेक किया। कौन कौन से फैक्टर से डिविजिबल है, एकदम सही बोल, ठीक है। बोला कि क्या अभी भी कोड ऑप्टिमाइज है, बोला देखते हैं, वो तो आपको मैथमेटिक्स फिर से सिखाएगा, मैथ सिखाएगा, ठीक है। बोला क्या कोड ऑप्टिमाइज है या नहीं है, बोला दुनिया का सारा नंबर 100 को देख लो, 1 से है, 2 से है, 4 से है, 5 से है, 10 से होगा, 20 से होगा, 25 से होगा, 30 से नहीं होगा, 50 से होगा और 100। आप समझो तो एक चीज, आधा के बाद खुद से, बीच में कभी कोई नंबर, कोई भी नंबर को आप पकड़ लो, 12, 6 के बाद सीधा 12, बीच में नंबर डिविजिबल नहीं होता। बात समझना फिर से, अभी भी कोड क्या ऑप्टिमाइज है तो नहीं है। बोला क्यों सर, आप 101 का केस देखिए, आपका लूप अभी कैसा चलेगा जी, 1 से लेके 101 तक, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर में आ जाएगा, ठीक ना, तो ये पूरा चलेगा। दुनिया का सारा नंबर आधा के बाद, 50% के बाद डिविजिबिलिटी नहीं होता। एक तो हाफ से डिविजिबल होगा, 100 का एग्जांपल तो मैंने बताया, 100, 50 के बाद कहाँ डिविजिबल होता है, डिविजिबल डिवाइड नहीं, डिविजिबल कहाँ होगा, 50 से डिवाइड करेंगे तभी तो 2 से 2 बार डिवाइड होगा, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 बार, बीच में तो होगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्लोट में आ जाएगा। 1 लाख 50,000 के बाद सीधा 1 लाख से, मैंने आप अगर कोड लिखोगे अभी आपका 50,000 बार ज्यादा एक्स्ट्रा घूमेगा, जो कि ये भी बेकार है। तो क्या 50% जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट उसको ब्रेक, एकदम सही, ब्रेक मारना चाहिए कोड हमेशा ऐसे ही। तो आपका कोड में अभी क्या गलती है, बोला कि आपको ये तो सबके लिए चेक हो रहा, ये वो सबके लिए चेक हो रहा जो कि प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, लेकिन जो प्राइम है, एग्जांपल के रूप में मैं यहां पे और एक एग्जांपल ले लेता हूं जो कि प्राइम है, जैसे 29 को आपको अभी लूप जो अभी कोड किया हुआ है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, डॉट 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 29 तक सारे में घूमेगा अभी, लेकिन वो 14 के बाद घूमना नहीं चाहिए, आधा तक नहीं डिविजिबल हुआ मतलब अब डिविजिबल नहीं होगा। दुनिया का सारे नंबर ऐसे ही होता है, देखिए इसी को देख लीजिए, 14 के बाद सीधा 28, मतलब ये लॉजिक ही है। तो मैंने कोड को मुझे और ऑप्टिमाइज करने के लिए, आपको बाद में भले ना समझ में आए लेकिन आप जब समझे हो आप इतना ही समझो कि आप इस कोड को किस लिए लिखे हो, फैक्टर प्रिंट कराने के लिए और काउंटिंग करने के लिए, ये 3 बार से ज्यादा हो तो ब्रेक करने के लिए। और ये अब दिखाते हैं कि अगर मेरा x का वैल्यू इज इक्वल्स टू n डबल डिवाइडेड बाई 2, n के आधा तक पहुंच गया, मतलब 14 तक पहुंच गया, 14.5 मतलब 14 तक पहुंच गया, ठीक है। अगर x का वैल्यू 14 तक पहुंच गया और अभी भी एक ही फैक्टर है, 14 तक पहुंचने के बाद भी अगर एक ही फैक्टर है तो आगे चलना बेवकूफ़ी है, ये प्राइम के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जानता है दुनिया का सारा नंबर तो 29 से तो होगा ही होगा, तो 14 के बाद सीधा किसी और से मत चेक करो, तो 14 के बाद ब्रेक मारो, लेकिन ब्रेक मारने से पहले बोला ये किस लिए, क्योंकि 29 चेक करना होगा ना मुझे, 29 के लिए मैं काउंट प्लस प्लस जान पहले से जानता हूँ कि दुनिया का सारा नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो मैंने 15 से लेके 29 तक बचा लिया टाइम, सीधा हाफ से भी एक ज्यादा टाइम कितना बच गया। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज कोड, कोड को ऑप्टिमाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा
अच्छा मतलब मेनली मेरा हाफ तक चला टाइम सेव, बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको बोलते हैं, ऑप्टिमाइज तभी है जब वो टाइम सेव करे, टाइम सेव करता है और भी स्पेस भी सेव करता है। अच्छा वो जब आपको एरे आएगा लिस्ट टपल, कितना कम एरे लेके आप कोड को एग्जीक्यूट कर दोगे तो वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो स्पेस, वो स्पेस मेमोरी कम लेके काम भी ऑप्टिमाइज है, वो भी ऑप्टिमाइज है, दो ही ऑप्टिमाइज आता है, टाइम को ऑप्टिमाइज करना और मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ये क्वेश्चन नहीं, इसी के लिए जॉब ही मिलता है कि बंदे का कोड स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका मतलब कोड ऑप्टिमाइज करना जानता है। अच्छा ठीक है ओके, टाइम एंड मेमोरी, टाइम एंड मेमोरी बोथ। ठीक है कम वेरिएबल लेके कोड करना, जैसे हमारे में काउंट एकदम जरूरी था, लूप चलाने के लिए एक्स बहुत जरूरी था। ठीक है ये तो जरूरी नहीं है, मैं तो बस ये टेस्टिंग के लिए किया हूँ, तो अब एक बार करिए तो ठीक है, अब आप करिए तो अच्छा, अब 29 के लिए 14 के बाद तो टूट गया, 29 तक गया ही नहीं, आप फिर से वापस समझना, ये कोड न मत लिखिए, ये कोड मत लिखिए, और अब चेक कीजिए तो 29 तक, 29 तक चल रहा था, अभी 1 on 29, और ये लिखने के बाद अभी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा। ठीक है अच्छा सिर्फ 1 ही मिलेगा, तो बोला कि सर कैसे पता चलेगा कहां पे टूटा, कहां पे टूटा ये कैसे पता चलेगा, टूटने के बाद एक्स का ही वैल्यू प्रिंट कर दीजिए ना, प्राइम तो है लेकिन साथ में कहां पे टूटा वो प्रिंट कर लीजिए। अच्छा ठीक है 14 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा 29, 14 पे आके टूट गया। ठीक है अब देखिए अभी आपको तो सिखा रहे हैं, अभी देखिए तो 107 3 पे आके टूट गया क्योंकि उसका 3 को से ज़्यादा फैक्टर मिल गया उसको, समझे नहीं समझे। काउंट आपने देखे रखा है ऑलरेडी, ब्रेक एक इसमें टूट रहा है एक इसमें टूट रहा है, ये हाफ पे जाकर टूट रहा है और ये टूट रहा है आपका 3 को फैक्टर मिलने के कारण, तो बस देख लीजिए रुक जाइए 10,000 1 2 4 3 को फैक्टर मिल गया टूट गया। ठीक है 10,001 यहाँ पे भी 3 को फैक्टर मिला टूट गया, तो ऐसा मुझे प्राइम नंबर अगर मुझे पता रहेगा 10,007 या 10,019 ये तो होना ही चाहिए। देखिए हाफ पे आके टूट गया, मेरा सेविंग हुआ या नहीं हुआ आप देख लो, 81,000 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 1,00,000 तक जाना था, 50,009 पे ही आके रुक गया। सर अगर 1,00,000 नहीं जाता 1 by 1 1 1 तो जाता तो कितना टाइम सेव होता। देखिए वो आपको तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही समझिए, लेकिन वो फ्रैक्शन सीधा हाफ समझिए, वो तो है हाफ है, आप वो फ्रैक्शन का भी हाफ है ना, टाइम यही तो दो चीज सिखाया जाता है कोडिंग में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम कराया जाए, मतलब कोडिंग ऑप्टिमाइज होना चाहिए बस, तभी कोडिंग का दाम है। ठीक है नहीं मतलब मुझे 10,000 मिलेगा आपको 2,00,000 मिलेगा, यही है फर्क बस, एकदम एकदम पूरा एक पेज का कोडिंग लिखूंगा। हाँ नेट पे आप जाओगे ना तो वो सब ये दो लाइन नहीं लिखा है नेट पे, बस लीजिए कोई बात नहीं, ये ऑप्टिमाइज कोड है, इतना डिफरेंस है। सर ये भी डाल सकते हैं अगर जो कोड ऑप्टिमाइज है।